हमीरपुर स्थित बस स्टैंड में एचआरटीसी का चार्जिंग स्टेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। यहां बिजली की तारों को बिछाया जाना था और ट्रांसफार्मर रखा जाना था, लेकिन एक महीने के बाद भी यहां ये सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। शहर में लग रहे बिजली के कटों से यहां पेट्रोल पंप भी चल नहीं पा रहा। लोगों को बसों में बैठकर बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी की बस जो कि रोडू से पालमपुर के लिए जा रही थी, बिजली कट के चलते उसे 2 घंटे तक तेल भरवाने के लिए बस स्टैंड में ही खड़ा रहना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये वाली पल्ले वाली ये है चीफ मिनिस्टर आ गई इधर ननू हां आए उधर जान दे सारे ए नहीं एक वीडियो रोडू प्राग पालमपुर के साहब को नींद पे ये हां बीडी साहब हमने एक केबल जो है वो बस स्टैंड के लिए डाल दी है। वहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर जो है वो भी तैयार है, प्लेस भी तैयार है। वहाँ जैसे ही ये एचआरडीसी वाले ट्रांसफार्मर देंगे 630 केवी के लगेंगे, तो वो दोनों जो दो लगेंगे एक वर्कशॉप में लगेगा एक वहाँ पे लगेगा, तो वो दोनों जो है वो 630 केवी के होंगे। जब भी वो दे दें वो तैयार हो जाएगा हमारा, क्योंकि सप्लाई दे दी गई केबल जो है पहुंच गई है। उसी तरह वर्कशॉप में वहाँ पे कुछ पोल लगने हैं अभी, तो उसके लिए भी थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर एक महीने के अंदर अंदर वो भी तैयार कर दिया जाएगा और वो भी सप्लाई दे दी जाएगी। टोटल 21 पोल जो है वो वर्कशॉप के लिए जो जा रही है नहीं, 21 पोल लगेंगे, वो हेडलाइन जाएंगे।